hello and welcome back so in previous lecture i discussed about the formulation of linear programming problem and in this lecture we will discuss about the various methods and first today i will discuss about the graphical method so there are various methods to solve linear programming problem once the problem is formulated the next step is to solve the problem to get the optimal solution सच दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ फुलफिल्ड है उसके बाद हमारा जो फॉर्मुलेशन के बाद अगला स्टेप क्या है हाँ ऑप्टीमल सॉल्यूशन फाइंड करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा फुलफिल करे वैसे सो देर आर वेरियस मैथड्स टू सॉल्व एल पी पी सबसे पहले एक ग्राफिकल उसके बाद सिम्प्लेक्स मैथड बी गेम मैथड एंड टू फेज़ मैथड ग्राफिकल मैथड इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाइल द सिंप्लेक्स मैथड बी गेम मैथड एंड टू फेज़ मैथड are the mathematical analytical type method okay in which is the simplex method and modified of simplex method are bgam and two phase method so basically there are two types method graphical and analytical analytical there is simplex method bgam method and two phase method So first let us discuss about the graphical method graphical method is used for solving linear programming problem having only two variables. यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो सिर्फ और सिर्फ टू है दो इन एक्चुअल प्रैक्टिस सच स्मॉल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय दिस मेथड यहाँ पे जो भी एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है कि वेरिएबल्स कम होंगे तभी ये मेथड वेरी बेनिफिशियल होगी ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ठीक है यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए गए हैं ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है रिप्रेजेंट द वेरिएबल ऑन एक्सेस यानी कि सबसे पहले जो वेरिएबल है यहाँ पे टू वेरिएबल इसलिए दिए गए ताकि हम उसको एक्स और वाई में रिप्रेजेंट कर सके इजीली ठीक है सो सबसे पहले क्या करना है जो भी वेरिएबल्स है उनको रिप्रेजेंट करना है ऑन द एक्सेस सिंस दिस मेथड यूज ओनली टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेड एज एक्स वन एंड एक्स टू ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सिंस एक्स वन एंड एक्स टू आर नॉन नेगेटिव यानी कि जो भी वैल्यूज होगी वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी क्योंकि एक्स वन यहाँ पर आएगा और एक्स टू यहाँ पर आएगा और दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है सो so, वो सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही आएगी अगला जो सेकंड स्टेप है प्लॉट ईच ऑफ कंस्टेंट ऑन ग्राफ अभी जो हमको प्रीवियस हमने फॉर्मूलेशन में देखी कि जैसे कि एक कंस्टेंट है टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू लेस देन और इक्वल टू एट जैसे कि ये एक कंस्टेंट है तो उसको हमको प्लॉट करना है ये एक लीनियर इक्वेशन है ठीक है so, सो यहाँ पे दो पॉइंट मिलेंगे इसमें एक्स वन और एक्स टू के लिए सो so, उसको लाइन के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना होगा जैसे कि ये एक प्लॉट है तो यहाँ पे ऐसे लाइन मिलेगी उस कंस्टेंट की फिर दूसरी लाइन हमको फाइंड करनी होगी दूसरी कंस्टेंट के लिए और दोनों का जो फिजिबल ये एरिया मिलेगा दोनों के अंदर जो आता होगा एरिया वो ही हमारा फिजिबल रीजन होगा ठीक है so, सो सबसे पहले हमको प्लॉट करना होगा इज कंस्ट्रेंट ऑन ग्राफ प्लॉट कंस्ट्रेन गिवन इन टर्म्स ऑफ आइदर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी टू प्लॉट इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑन ग्राफ देर आर सेवरल स्टेप फर्स्ट इफ द इनइक्वालिटी आर गिवन देन रिप्लेस इट बाई इक्वालिटी साइन यानी कि अगर इन इक्वालिटी दी गई है तो उसको इक्वल कर दो सबसे पहले लेस देन और ग्रेटर देन है तो उसको इक्वल कर दो दूसरा स्टेप क्या है डिटरमाइन वेयर द इक्वेश इंटरसेक्ट्स ऑन द एक्सिस यानी कि जो भी हमारी एक्सिस है वहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट्स हमको फाइंड करने होंगे ठीक है यहाँ जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स हमको फाइंड करने होंगे कि कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है टू फाइंड वेयर द इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स टू एंड एक्स वन एक्स टू एक्सेस सेट एक्स वन इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स टू यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा जो भी इक्वेशन है उसमें एक्स टू इक्वल टू हमको क्या करना होगा वो फाइंड करना है तो एक्स वन इक्वल टू सबसे पहले जीरो ले लेंगे ठीक है सिमिलरली टू फाइंड द वेयर द इक्वेशन क्रॉसिस द एक्स वन एक्सेस जैसे कि ये एक्स वन एक्सेस है और ये एक्स टू एक्सेस है सो so, यहाँ पे सिमिलरली क्या करना होगा यहाँ पे एक्स टू जीरो लेंगे तो एक्स वन की वैल्यू मिलेगी सो so, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है वो हमको फाइंड करके लाइन प्रोड्यूस करनी है ठीक है मार्क दिस इंटरसेक्शन ऑन द एक्सिस एंड कनेक्ट दैम विथ स्ट्रेट लाइन यानी कि ये इंटरसेक्शन को हमको मार्क करना है और उनको कनेक्ट करना है यूजिंग स्ट्रेट लाइन थर्ड स्टेप आइडेंटिफाई फिजिबल रीजन जो मैंने डिफाइन किया था उसके अंदर कि जैसे कि ये एक यहाँ पे फिजिबल रीज़न मिला हमको सो so ये हो गया हमारा फिजिबल रीज़न, दोनों कंस्टेंट के थ्रू जो भी इंटरसेक्ट करके एरिया मिलेगा ठीक है वो होगा फिजिबल रीज़न। इफ द कंस्टेंट इज लेस देन और इक्वल टू टाइप देन द एरिया ऑन और बिलो द कंस्टेंट लाइन टुअर्ड्स द ओरिजिन विल बी कंसिडरिड यानी कि अगर ये यहाँ पे इक्वेशन है कि जैसे सॉरी टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू लेस देन और इक्वल टू एट उसके लिए अभी यहाँ पे कंस्टेंट जो है वो अगर लेस देन और इक्वल टू टाइप है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमको लाइन मिली सपोज ये लेस देन और इक्वल टू मैन देन द एरिया बिलो दिस लाइन विल बी कंसिडर टूआर्ड्स दी ओरिजिन मतलब टुअार्ड्स दी ओरिजिन यानी कि ये बिलो वाला एरिया ही हमको कंसिडर करना है अगर कंस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप है ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन ओरिजिन से ये हमारा ओरिजिन है तो ओरिजिन से अवे वाला एरिया हमको कंसिडर करना है ठीक है सो so, ये सिंपल कंसिडरेशन में आ गया पूरा सिमिलरली इफ द कंस्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप देन द एरिया ऑन और अबाउ द कंस्टेंट लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिबल ओरिजिन इज फिजिबल रीजन यानी कि ओरिजिन से अवे वाला एरिया जो होगा वो फिजिबल रीजन कंसिडर में किया जाएगा द फिजिबल एरिया कॉमन टू ऑल कंस्टेंट इज़ कॉल्ड एज फिजिबल रीजन यानी कि दोनों कंस्टेंट में जो भी एरिया होगा ठीक है ये एक लाइन हमको एक कंस्टेंट के लिए मिला ये दूसरे कंस्टेंट के लिए मिला ये यहाँ पे सपोज ये डाउनवर्ड है ठीक है यहाँ पर भी ये डाउनवर्ड है सपोज लेस देन और इक्वल टू टाइप कंस्टेंट है सो so दोनों में जो कॉमन एरिया हमको मिलेगा वो क्या होगा हमारा फिजिबल रीजियन और दैट इज कंसिडर एज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन हियर नाउ देर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे दो मेथड्स है एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट मेथड एंड आइसो प्रोफाइल लाइन मेथड यानी कि जो भी हमको ये यहाँ पे तो क्या मिला हमको सिर्फ रीजन मिला हमको क्या फाइंड करना था सॉल्यूशन फाइंड करना था तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमको उसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए दो मेथड्स है ये हमारा सपोज़ फिजिबल रीजन है तो एक्सट्रीम कॉर्नर मेथड में क्या होगा कि जो भी ये कॉर्नर्स हैं होंगे फिजिबल रीजन के वो हमको कंसिडर में लेने होंगे जो भी कॉर्नर्स है वो एक्सट्रीम कॉर्नर्स हमारा ऑप्टिम उसमें से कोई भी एक हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है या फिर आइसो प्रोफाइल लाइन में क्या होगा कि जो भी उसमें से हमको एक सेक्शन लेना होगा और जो सेक्शन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है ठीक so, है सो दो मेथड्स है एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट मेथड एंड आइसो प्रोफाइल लाइन अप्रोच सो हमको यहाँ पे क्या करना है कि यूज़ एक्सट्रीम कॉर्नर मेथड अगर एक्सट्रीम कॉर्नर मेथड यूज करें तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इच एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस यानी कि जो भी फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस था उसमें से एक्सट्रीम कॉर्नर हमको फाइंड करने होंगे ठीक है जैसे कि ये है तो यहाँ पे एक्सट्रीम कॉर्नर सपोज ये तीन है तो ये तीनों हमारे फिजिबल सॉल्यूशन इनमें से कोई भी एक हो सकता है देन कंप्यूट एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द एक्सट्रीम पॉइंट फिर उसको कंप्यूट करना होगा और कंपेयर करना होगा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐट ईच एक्सट्रीम पॉइंट आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम पॉइंट दैट गिवस द ऑप्टीमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा सपोज मैक्सीमाइज है तो मैक्सीम वैल्यू जिस को ऑर्डिनेट के लिए या जिस पॉइंट के लिए मिलेगी वो हमारा ऑप्टीमल सोल्यूशन होगा अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन है तो जो भी वैल्यू के लिए हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हमारा ऑब्जेक्टिव और ऑप्टीमल सोल्यूशन होगा लास्ट जो स्टेप है अगर हम आइसो प्रोफाइल यूज आइसो प्रोफाइल फंक्शन लाइन अप्रोच तो उसके लिए स्टेप्स कौन कौन से है ड्रॉ आइसो प्रोफाइल लाइन फॉर अन आर्बिट्ररी बट स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विदाउट वायोलेटिंग एनी कंस्टेंट ऑफ एल यानी कि क्या करना है आइसो प्रोफाइल लाइन ड्रॉ करनी है फॉर एन आर्बिटरी बट स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विदाउट वायोलेटिंग एनी कंस्टेंट्स ऑफ एल पी पी एल पी की पी की जो भी कंस्टेंस है उसको वायोलेट किए बिना हमको एक आर्बिट्री आइसो प्रोफाइल लाइन ड्रॉ करनी है मूव आइसो प्रोफाइल लाइन पेरेल टू डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिर आइसो प्रोफाइल लाइन को पेरेल टू डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन के थ्रू हमको मूव करना है the farthest the isoprofile line may intersect at one corner point providing a single optimal solution jo bhi farthest isoprofile line hogi may intersect at one corner point providing a single optimal solution also this line may intersect with one of the boundary line of visible area then at least two optimal solution must lie on टू एडजॉइंग कॉर्नर एंड अदर विल लाई ऑन द बाउंड्री कनेक्टिंग डैम यानी कि क्या होगा जो लाइन होगा वो मे इंटरसेकट विथ वन ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन कोई भी एक बाउंड्री लाइन के ऊपर वो लाइन इंटरसेकट कर सकती है देन एटलीस्ट टू ऑप्टीमल सॉल्यूशन मस्ट लाई ऑन द टू एडजेंट कॉर्नर एंड अदर विल लाई ऑन द बाउंड्री कनेक्टिंग डैम यानि कि जो टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे वो मस्ट लाई ऑन द टू एडजॉइनिंग कॉर्नर जो भी कॉर्नर है वहाँ पे होंगे एंड अदर विल लाई ऑन द बाउंड्री कनेक्टिंग दैम जो भी बाउंड्री उनको कनेक्ट करती है ठीक है वहाँ पे होंगे हाउ एवर इफ आइसो प्रोफाइल लाइन गोज ऑन विदाउट लिमिट फॉर द कंस्टेंट देन अनबाउंडेड सॉल्यूशन वुड एग्जिस्ट अगर आइसो प्रोफाइल लाइन में कोई भी अगर लिमिट नहीं है विदाउट लिमिट वो अगर जा रही तो उसमें क्या होगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा मतलब कोई सॉल्यूशन उसमें नहीं मिलेगा दिस यूजुअली इंडिकेट्स एन एरर इन फॉर्मुलेटिंग एलपी मॉडल यानी कि हमारी एलपी मॉडल को फॉर्मुलेट करने में कुछ एरर हुई है ठीक है सो ये सारे थे स्टेप्स ऑफ ग्राफिकल मेथड नाउ लेट टेक वन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल मेथड बिफोर दैट लेटस डिस्कस द डिफ्रेंस बिटवीन एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट एंड आइसो प्रोफाइल और कॉस्ट मैथड दोनों में डिफरेंस क्या है एक्स्ट्रीम कॉर्नर पॉइंट और आइसो प्रोफाइल और कॉस्ट मैथड सो जो एक्सट्रीम कॉर्नर मैथड है उसमें हमको क्या करना है जो भी कॉर्नर uh, पॉइंट है आइडेंटिफाई ऑफ इच एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन जैसे कि ये हमारा प्लॉट है सपोज सो यहाँ पे जो भी एक्सट्रीम पॉइंट फिजिबल रीजन है हमारा ये सपोज़ ये वाला फिजिबल रीजन है सो so उसके लिए जो भी एक्सट्रीम कॉर्नर है वो होंगे हमारे फिजिबल सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशन हमको वहाँ से मिलेगा लेकिन आइसो प्रोफाइल व्यू में क्या होगा कि सपोज़ ये है तो उसमें से हमको एक आइसो प्रोफाइल लाइन लेनी है ठीक है ऐसे सपोज़ ये ये वाली लाइन ली तो उसके अंदर जो पॉइंट मिलेंगे उसमें से कोई भी एक वो फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है दैन डिटरमाइन यहाँ पर क्या करना है डिटरमाइन द स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड देन जॉइन द इंटरसेक्शन टू रिलवेंट प्रोफाइ प्रोफिट लाइन यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन हमको मालूम है सपोज तो उसका हमको स्लोप फाइंड करना है और उसी स्लोप को यूज करके हमको एक प्रोफाइल लाइन जनरेट करनी है ताकि हमको डायरेक्टली जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से ऑब्जेक्टिव जो ऑप्टीमल सोल्यूशन है वो मिल जाए दैन कंप्यूट द प्रोफाइल प्रॉफिट एट इच एक्सट्रीम पॉइंट बाई सब्सटिट्यूटिंग दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट इन टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर क्या करना है कि जो प्रॉफिट हमको फाइंड करना है एक्सट्रीम पॉइंट के लिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट इन टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर क्या करना है इनकेस ऑफ मैक्सीमाइजेशन मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू अ सीरीज ऑफ पैरेल लाइन्स एंड मूव टुआर्ड्स द राइट अनटिल इट टच इज़ द फिजिबल रीजन एट एनी वन पॉइंट यहाँ पे क्या करना है सपोज यहाँ पे ये फिजिबल रीजन है रुको मैं थोड़ा इसको एल, एनलार्ज कर देता हूँ ठीक सॉरी सो so, यहाँ पे सपोज हम एक लाइन लेते आईसो प्रोफाइल लाइन देन वी हैव टू मूव विट टुआर्ड्स द राइट सपोज़ ये पहली लाइन ली ठीक है उसके बाद ये दूसरी लाइन ली तो जब तक एक कॉर्नर पॉइंट हमको मिल नहीं जाता जो हमको ऑप्टीमल फिजिबल सोल्यूशन ले तो वहाँ पर पैरेल लाइन्स हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी इन केस इन मिनिमाइजेशन मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट यानी कि अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हम लेफ़्ट की ओर मूव करेंगे और अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हम राइट right की ओर मूव करेंगे ठीक है नेक्स्ट इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन सिलेक्ट द पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम यहां पे एक्सट्रीम कॉर्नर में कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो और अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो जो मिनिमम वैल्यू दे कॉस्ट वो वाला पॉइंट हमको सिलेक्ट करना है सेम वे सिमिलर वे इन आइसोप्रोफाइल मेथड कंप्यूट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टच बाय द लाइन ऑन फिजिबल रीजन एंड कैलकुलेट द प्रॉफ़िट और कॉस्ट तो जो भी लाइन है वो फिजिबल रीजन में जहाँ भी, भी टच करेगी तो वो सारे पॉइंट्स के लिए हमको प्रॉफिट और कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा ठीक है सो so ये है डिफ़रेंस बिटवीन एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट एंड आइसो प्रोफाइल और कॉस्ट मैथड आइसो प्रॉफिट और कॉस्ट मैथड सो so, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू थ्री एक्स वन जेड इज इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस नाइन एक्स टू दैट इज आवर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू लेस देन और इक्वल टू एट एंड एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन और इक्वल टू फोर दैट इज अवर टू कंस्टेंट्स ठीक है सो सबसे पहले यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू टू डिसीजन वेरिएबल्स है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सपोज एक्स वन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और एक्स टू को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एक्स टू को सपोज यहाँ पर रिप्रेजेंट किया वाई टू वाई एक्सिस पे सो so, ये हो गया हमारा स्टेप वन फिर कंसिडर द फर्स्ट इनइक्वालिटी जो सबसे पहली इनइक्वालिटी है उसको कंसिडर करना होगा देन ट्रीट दिस इनक्वालिटी एज इक्वेशन एक्स वन प्लस फोर एक्स टू इक्वल टू यहाँ पर इसको इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होगा ठीक है इस इनक्वालिटी को रिमूव करके इक्वल टू कंसिडर करना होगा नाउ अभी इसको सोल्व करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा एक्स टू इज इक्वल टू हमको क्या लेना होगा ज़ीरो एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो एक्स वन की वैल्यू क्या मिलेगी एक्स वन विल भी इक्वल टू यहाँ पे एक्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स वन विल भी इक्वल टू एट सेम वे अगर एक्स वन की वैल्यू अगर ज़ीरो लेंगे तो क्या होगा एक्स वन की वैल्यू लेंगे यहाँ पे ज़ीरो तो एक्स टू की वैल्यू क्या मिलेगी एक्स टू विल भी इक्वल टू एट बाय फोर दैट विल बी टू और यहाँ पे एक्स वन जो है वो हमने क्या लिया है जीरो और यहाँ पे एक्स टू क्या लिया है ज़ीरो तो यहाँ पे दो पॉइंट्स मिले एक मिला एक्स वन एक्स टू दैट इज एट ज़ीरो एंड सेकेंड पॉइंट हमको मिला ज़ीरो टू सो इसको हमको रिप्रेजेंट करना होगा यहाँ पे तो एट ज़ीरो कहाँ पर मिलेगा एक्स वन यहाँ पर मिलेगा सपोज एट ज़ीरो एट ज़ीरो पॉइंट और यहाँ पे जीरो टू कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा जीरो टू पॉइंट इन दोनों को जॉइन करती हुई हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी लेट मी ड्रॉ दिस अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और इन कैसी है लेस देन और इक्वल टू तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे ऐसे एरो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो आएगा सो so ये हो गया सबसे पहले इक्वेशन के लिए सो so, ये हो गया सबसे पहले इक्वेशन के लिए उसके बाद जो दूसरा कंस्टेंट है दैट इज एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन और इक्वल टू फोर सो सबसे पहले क्या करना होगा एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू फोर करना होगा फिर सो so, यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा यहाँ पे सपोज एक्स टू इज इक्वल टू हम यहाँ पे ज़ीरो लेते हैं ठीक है सो एक्स वन की वैल्यू हमको मिलेगी और यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू मिलेगी एक्स टू इज इक्वल टू हम सपोज यहाँ पे जीरो ले लिया तो एक्स वन की वैल्यू कितनी मिलेगी एक्स टू इज इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो एक्स वन की वैल्यू मिलेगी फोर सेम वे यहाँ पे एक्स वन इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या होगा एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी और एक्स टू की वैल्यू मिलेगी टू सो so, यहाँ पे हमको दो पॉइंट मिले फोर ज़ीरो और ज़ीरो टू तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करना हो तो ज़ीरो टू यहाँ पे आएगा ज़ीरो टू और जो फोर जीरो है वो पॉइंट यहाँ पे आएगा फोर सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया जो भी फोर जीरो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा फोर जीरो और जो भी यहाँ पे जीरो टू पॉइंट यहां पे आएगा उन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे और लेस देन और इक्वल टू है तो ऐसे ड्रॉ करेगी ठीक है फिर इनको अभी मैं ग्राफ में आपको शो करता हूं ठीक है एक्चुअल ग्राफ में सो यहां पे आप देख सकते हो कि जो भी लाइन है वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी दो लाइन्स है यहां पे ये यह हमारी पहली लाइन है जो जीरो टू और जीरो एट ज़ीरो वाली जो पहली लाइन है वो ये वाली है दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइन और जो दूसरी लाइन है वो ये वाली है ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी तो हमको यहाँ पे एक एरिया मिलेगा फिजिबल रीजन सो अभी सबसे पहले हमको एक्सट्रीम कॉर्नर मेथड से क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे ये वन टू और थ्री ये सारे पॉइंट्स है उसको हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करना होगा उसको हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करना होगा सो so, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर सपोज हम सबसे पहली वैल्यू अगर पुट करेंगे जीरो टू तो क्या मिलेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू एक्स टू इज इक्वल टू टू सो जेड वन हमको क्या मिलेगा जेड वन विल बी इक्वल टू एटीन ठीक है सॉरी जेड वन विल भी इक्वल टू एटीन सिमिलरली इफ वी पुट जीरो जीरो इन दिस जेड विल भी जीरो एंड थर्ड पॉइंट इज फोर थर्ड पॉइंट इज फोर जीरो सो उसके लिए क्या मिलेगा जेड थ्री विल बी इक्वल टू यहाँ पे फोर मतलब ट्वेल्व

उसके बाद जो अगली मेथड है आइसो प्रॉफिट और कॉस्ट मेथड उसके अंदर क्या होगा जो हमको वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ पे सबसे पहले जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड उसके लिए स्लोप फाइंड करना होगा स्लोप इज इक्वल टू तो माइनस ए बाय बी सो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो मिलेगा माइनस वन बाय थ्री अभी इस स्लोप के लिए हमको क्या करनी होगी लाइंस ड्रॉ करनी होगी ठीक है ये हमारा फिजिबल रीजन है हम कहीं पे भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक्सट्रीम कॉर्नर्स है वहाँ पर ड्रॉ करेंगे ठीक है सो तो यहाँ पे दो लाइंस मिलेगी एक्सट्रीम कॉर्नर के लिए एक जेड इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी मिलेगी जेड इज इक्वल टू अभी एटीन ये कहाँ पर आया कैसे आया जेड इज इक्वल टू एटीन सबसे पहले हमने लाइन यहाँ पर ड्रा की और फिर जो ये वाला एक ही पॉइंट हमको मिला तो उसके लिए हमने जेड की वैल्यू फाइंड की तो जेड की वैल्यू फाइंड की तो जेड इज इक्वल टू हमको मिला एटीन सो so, यहाँ पे डायरेक्ट आइसो प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करके हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हम फाइंड कर सकते हैं ठीक है सो so, ये था ग्राफिकल मेथड अगले लेक्चर में हम इसके एक और थोड़े एग्जाम्पल लेंगे और जो स्पेशल केसेस है वो डिस्कस करेंगे सो दिस इज़ इट फॉर टू लेक्चर दिस इज़ इट फॉर टू लेक्चर थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली Have a nice day.